हर हर महादेव दोस्तों, कमेंट्स में पहले हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इस संसार की अगर सबसे बड़ी कोई शक्ति है तो वो शिव शक्ति है, और अगर आप उस शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष उसके लिए धारण करना पड़ेगा। देखिए, एक मुखी रुद्राक्ष को लेके अलग अलग लोगों की अलग अलग जो है मानसिकताएं हैं, लेकिन वो सब चीजें आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए, आज मैं आपको दिखाता हूं कितने प्रकार के एक मुखी आते हैं। पहली बात तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारी भारत जो रामेश्वरम साउथ एरिया से हमें प्राप्त होता है भारत में ही। इसे ये एक मुखी है, काजू शेप जो है इसकी होती है, अगर आप देखेंगे तो काजू शेप की तरह है। उसके बाद मैं आपको दर्शन कराता हूँ एक मुखी हिमालयन, ये भारत की हिमालयन रेंज से जो है हमें प्राप्त होता है, और इसके मैं देखने की आकार की बात करूं तो ये ओवल शेप का होता है। इसी को जो है लोग बाग कई बार नेपाली कहकर ही मार्केट में सेल कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेपाली। देखिए, नेपाली रुद्राक्ष एक मुखी ये बिल्कुल गोल है आकार में। आपको एक मुखी नेपाली हर जगह देखने को नहीं मिलता, ये बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि जहाँ हमें रामेश्वरम हिमालयन बीट्स हजारों की तादाद में पैदा होते हैं, हर साल इनकी खेती होती है, उसी प्रकार से अगर मैं एक मुखी नेपाली की बात करूँ, ये मात्र साल में 10 या 20 जो हैं बीट्स ही देखने को मिलते हैं। तो देखिए, और लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक मुखी नेपाली जब उसकी पैदावार इतनी कम है तो ये उसके लिए कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको इसके लिए प्री बुकिंग जो है हमें करानी पड़ती है। तो अगर आप उतना बजट नहीं खर्च करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है कि आप एक मुखी या तो रामेश्वरम का धारण करिए या एक मुखी हिमालयन का धारण करिए, क्योंकि ये भी बहुत पावरफुल होते हैं। अब देखिए, कई लोग कहते हैं कि एक मुखी रामेश्वरम जो है ये रुद्राक्ष नहीं भद्राक्ष है। मैंने खुद ने कई बारी जो है शिव पुराण जो है पढ़ी है, और अलग अलग लेखक द्वारा मैंने पढ़ी है। आज तक मैंने भद्राक्ष नाम का शब्द कहीं नहीं देखा पूरी शिव पुराण में, क्योंकि भद्राक्ष नाम का जो शब्द है वो आपने और हमने मिलकर बनाया है, ये शिव भगवान ने इसका जो है वर्णन कहीं नहीं करा। तो इसलिए दोस्तों, भद्राक्ष कुछ नहीं होता, ये ओरिजिनल एक मुखी होता है। चाहे आप ये लीजिए या हिमालयन लीजिए, प्रॉपर लैब सर्टिफिकेशन के साथ आता रहा है। और देखिए, मैं आपको बता दूँ, अगर मैं एनर्जी वाइज अगर मैं बात करूँ, अगर आपके मन में प्रश्न होगा कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन से एक मुखी में है और सबसे कम किस में है, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। जो भारत के रामेश्वरम से आता है इसमें सबसे कम एनर्जी होती है, उसके बाद जो है ज़्यादा एनर्जी होती है वो होती है भारत के एक मुखी हिमालयन रेंज से जो आता है, और फिर जो सबसे पावरफुल होता है वो होता है नेपाली एक मुखी। तो इसलिए अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष किसी भी प्रकार में, कोई भी साइज़ का या कोई भी ब्रीड का, चाहे वो भारत का हो या नेपाली हो या भारत की हिमालयन रेंज का हो, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे संपर्क करिए, या आप हमारे स्टोर पे विज़िट कर सकते हैं असलोमल विजय कुमार, जो कि पिछले 100 साल से ज़्यादा आपकी सेवा में है। उसका एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ पूरा, असलोमल विजय कुमार, शॉप नंबर 80, बड़ा बाज़ार, हरिद्वार। जय गंगे मैया की।